हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। फटाफट हरियाणा देख रहे हैं आप और इसमें हम आपको बताते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें। कोरोना महामारी के दौर में भी प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि के लिए लोगों को एकजुट नहीं किया जा सकता। विज ने कहा कि उन्होंने सभी एसपी और डीसी को आदेश दिए हैं कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वडोदरा में होने वाले उपचुनाव को लेकर विज ने कहा कि अगर चुनाव में वोट मांगने भी जाना है तो भी दो चार लोगों से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, किसी भी दल को इसका उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। वहीं गृहमंत्री ने बताया कि अब तक मास्क न पहनने वाले करीब 3 लाख लोगों पर चालान किए गए हैं, जिससे करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। शराब घोटाले की जांच अब स्टेट विजिलेंस को सौंप दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब मूवमेंट का पता चला तो 7 मई को जांच एसीटी गठित करके शुरू की गई। सदन की कार्यवाही को लेकर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी सदन में किसानों और कृषि के मुद्दे को नहीं उठाया गया। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक नीरज शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में लोकतंत्र की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि सरकार घोटालों को दबाने के लिए बिल लेकर आई थी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेजेपी और बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसी बांगड़ ने बांगड़ से हरियाणा न्यूज ने बातचीत की। इसमें केसी बांगड़ ने बताया कि हम गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। केसी बांगड़ ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में दोनों पार्टी का एक उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार तय करना शीर्ष नेताओं का काम है। प्रदेश में 59,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1,293 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 141, सोनीपत में 123, फरीदाबाद में 96 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 94, रेवाड़ी में 75, अंबाला में 71, यमुनानगर में 81, कैथल में 62, पानीपत में 79 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 12 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, वहीं बहादुरगढ़ में भी बड़ी लापरवाही सामने आई। बहादुरगढ़ में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर के साथ साथ वहां काम करने वाले कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से अब तक बैंक के ब्रांच को बंद नहीं किया गया। सिरसा नगर परिषद आयुक्त संगीता तेत्रवाल अपना पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गई हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में शहर के समाज सेवी संस्थाओं और गणमान्य लोगों की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि शहर में बने पार्कों का सौंदर्यीकरण उनकी पहली प्राथमिकता है। शहर को स्वच्छ रखना उनका लक्ष्य है और इसी के लिए सभी शहरवासियों का सहयोग जरूरी है। संगीता तेत्रवाल ने कहा कि सोमवार से पूरे शहर में एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिससे शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए। रेवाड़ी में सीएम विंडो पर शिकायत करने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जिले के एक गांव में एक शख्स ने पंचायती जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सीएम विंडो के जांचकर्ता ने बिना मौका देखे और शिकायतकर्ता को बिना सूचना दिए ही कब्जाधारी के पक्ष में फैसला देकर फाइल क्लोज कर दी।
शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों को मामले में सूचना दी। संदर्भ में गांव के सरपंच ने भी माना कि शिकायत जायज है और दूसरे पक्ष ने पंचायती जमीन पर चबूतरा बनाकर अवैध कब्जा किया है। वहीं जांचकर्ता ने कहा कि अधिकारी की अनुमति से फाइल क्लोज की है, अगर शिकायतकर्ता चाहे तो दोबारा शिकायत दे सकता है। यमुनानगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस ने सड़क पर उतरकर कई जगह नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की। एसपी कमलदीप गोयल ने सभी नाकों का दौरा करने के बाद बताया कि इस प्रकार की विशेष चेकिंग महीने या 2-3 बार की जाती है। ये आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कारगर साबित होती है। साथ ही उन्होंने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार की चेकिंग में लोग सहयोग किया करें। कोरोना के चलते एक तरफ जहां लंबे लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों की सैलरी कट कर मिल रही है, वहीं अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। महंगी होती सब्जियों ने रसोई का स्वाद ही बिगाड़ दिया है। ग्राहकों की माने तो सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी में इजाफा किया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार पहले से ज्यादा बरसात होने की वजह से हरी सब्जियों की खेती बिल्कुल खराब हो गई। यही वजह है कि 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 60 और 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 140 रुपए बिक रहा है। अम्बाला में सैनिटाइजर की आड़ में फर्जी दस्तावेज और फर्जी कंपनी का नाम लेकर शराब दूसरे राज्य में सप्लाई किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। यह मामला अम्बाला उपायुक्त कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद चर्चाओं में आ गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान फर्जी पास बनाकर सैनिटाइजर की आड़ में शराब बनाने वाली फैक्ट्री से शराब दूसरे राज्य में सप्लाई की गई, जिसके बाद यह मामला अम्बाला प्रशासन के संज्ञान में आया तो उपायुक्त कार्यालय संबंधित इलाके के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएएस डॉक्टर जेके अभीर ने अपना कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नांगल चौधरी नगर पालिका का दौरा किया। करनाल में बाजार बंद करके व्यापारी गुरुवार को सड़कों पर उतरे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस बाजार में खड़े होकर चालान काटती है, जिससे पब्लिक बाजार में आने से बच रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ती महंगाई ने घरों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई आसमान को छू रही है। जहां एक तरफ मौसम की मार ने फल और सब्जियों को प्रभावित किया है, वहीं बढ़ते डीजल की कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया और फल सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। कहीं न कहीं आम आदमी इस महंगाई से परेशान है। किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम की मार से खेतों में लगी हरी सब्जियां खेतों में पानी भरने के कारण सड़ गई हैं, जिसके चलते सब्जियों की कीमतों में उछाल नजर आ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 10 और जौ की एक नई किस्म ईजाद की है, जिसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी है बल्कि बीमारी रोधी भी है। इसमें 9 किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल और गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय हिसार ने ईजाद की है। इसको लेकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ताओं की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से गेहूं और जौ विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। अम्बाला में नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अम्बाला में अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नगर परिषद के अधिकारियों ने आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर अवैध तौर से बिल्डिंग बनाने के काम को रुकवा दिया। सरकारी विभागों में हर दिन नए घोटाले उजागर होने के आरोप लगते रहते हैं। ताजा मामला जीएसटी घोटाले का है, जिसमें अलग अलग नाम की
फर्मों से खरीद फरोख्त का फर्जीवाड़ा कर जीएसटी के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है। लॉकडाउन में शराब माफियाओं पर मेहरबान रहने के आरोप वाले कराधान विभाग के जुड़वा भाई आबकारी विभाग का अब तक कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है। प्रदेश में इन दिनों हनी ट्रैप और जबरन वसूली का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। लोग कानून का गलत इस्तेमाल कर कई मासूमों से जबरन वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल से सामने आया है। पलवल के हथीन खंड के गांव धिरनकी में एक महिला ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक महिला ने बताया कि उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की तो इस बीच महिला युवक को समझौता करने के लिए लाखों रुपए की डिमांड करने लगी। यमुनानगर से सोशल साइट पर नकली आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है और ये आईडी जिला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नाम पर बनाई गई। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास उनके एक साथी का फोन आया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि उनका सोशल साइट पर अकाउंट है। इनके इसी अकाउंट का एक और फर्जी अकाउंट बनाकर उनके दोस्तों को फंसाकर पैसों की मांग की गई है। रावली की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने अरावली में बने 50 फार्म हाउस तोड़ दिए जो बगैर अनुमति के बनाए गए थे। गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव से सटे अरावली में हो रहे अवैध खनन और अवैध तौर पर बसाए जा रहे फार्म हाउस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद प्रशासन हरकत में है। कोर्ट से मिले सुप्रीम आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीमों ने यहां बने तमाम स्ट्रक्चर्स को जमींदोज कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे इस पहाड़ी पर बड़े स्तर पर खनन कर अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए गए थे, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। इस मामले में जिला योजनाकार अधिकारी आरएस बाट की माने तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम और डीटीपी विभाग की टीमों ने उन तमाम फार्म हाउसेस को जमींदोज कर दिया जिनके पास कोई माकूल कागजात नहीं थे। फरीदाबाद के सागरपुर गांव में एक तेंदुए द्वारा महिला पर किए गए हमले के बाद अब ग्रामीण खुद अपने स्तर पर हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लिए खेतों में तेंदुए की तलाश में जुट गए हैं। करीना की बेटी की नोएडा गुरुकुल में संदिग्ध मौत मामले में पीड़ित के परिजनों ने करीना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शाहबाद नेशनल हाईवे के पास गड्ढों के अंदर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रादौर से कांग्रेस के विधायक विष्णुलाल सैनी को विधानसभा क्षेत्र के ही एक शख्स द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में चोरों के द्वारा बुधवार रात एक मकान का ताला तोड़कर पिकअप गाड़ी चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें दो चोर मकान का ताला तोड़कर पिकअप गाड़ी चोरी करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पिकअप गाड़ी मालिक की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई है। रोहतक में एक दूध विक्रेता की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दूध विक्रेता गांव से दूध लेकर शहर के लिए निकला था, तभी रोहतक जींद रोड पर अज्ञात अपराधियों ने दूध विक्रेता के शरीर में एक के बाद एक 7 गोलियां दाग दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
झारखंड में पुलिस ने दो बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया। मियोंद पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से दो अवैध हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।